जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। 17 मई 2022 के लिए अपने इंट्राडे लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस करेंगे और पुल बैक रैली संभव है, देखते कल खरीदना तक जा सकते हैं भैया ऊपर में। और मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले आप डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़ें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। अब आज का परफॉर्मेंस देखते हैं आगे स्लाइड्स के थ्रू। देखिए 15,900 का पुट वीकली वाला, सुबह ये मैंने दिया था पोस्ट पे, फेसबुक पे पोस्ट किया था, उसका टाइम भी लिखा हुआ है 9:39 16 मई 2022 रिस्की ट्रेडर लिख के मंडे 16 मई। 15,900 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 130 के पास लेना है, 127 रुपये का लो बनाया है और वहां से फिर जो चला वो सब आपके सामने में दिया हुआ है। 11:45 पे मैंने अपडेट किया 189, 12:03 पे दिया 194 कीप ट्रेल स्टॉप लॉस 159 और 12:50 पर लिखा था बुक प्रॉफिट 230 रुपया। 230 रुपया मैंने 130 का 230, अब ये समझो 100 पॉइंट का प्रॉफिट, मैंने एक लोट लिए तो 5,000 रुपया प्रॉफिट। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का, उसका परफॉर्मेंस अपने देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो भी मैंने 9:39 पे दिया था मंडे 16 मई 2022 का, 33,500 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 322 के पास, लो बनाया 270 रुपये का और 11:45 में देखिए 385 का लगाया, उसके बाद 12:03 में 413, उसके बाद 12:50 में 450 का मैंने लिख दिया था बुक प्रॉफिट। तो इसमें भी 322 और 450, अरे चलो ठीक है 100 पॉइंट ही गिनो, 120 पॉइंट नहीं गिने, 100 पॉइंट इसमें भी मिला, 2,500 इसमें 5,000 उसमें, 7,500 रुपया पर लोट, दोनों एक एक लोट लिए हो तो 7,500 रुपया। तो ये परफॉर्मेंस है, ये मैं जो डेली देता हूँ बस ये काम करके निकल जाओ, अपने को कोई दरकार नहीं बाजार ऊपर जावे नीचे जावे, अपने लेवल से खेलना है, जहाँ अपने को लगे लेकर खेलना है, जहाँ लगे अपने को तो वहाँ बेच कर खेलना है। और आज शाम को भी मैंने BTST कॉल दिए थे, वो वीडियो भी मैंने आज YouTube में भी डाला है, 31:30 में लेने को बोला था 16,200 का कॉल, 21.65 रुपया क्लोजिंग बेस्ट स्टॉप लॉस, 23.10 रुपये का लो बनाया लास्ट में और वहाँ से वो फिर 31 रुपये के पास जाके 27.5 का एवरेज में बंद हुआ है। कल 21.5 के नीचे निकले तो निकल जाइएगा, 21.5 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। अब चलते हैं डाटा एनालिसिस अपने वहाँ पर देखते हैं डाटा एनालिसिस में क्या है, आज FII ने क्या किया है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही रूपरेखा देख लेते हैं अपने, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। देखिए डाटा एनालिसिस में क्लाइंट ने आज इंडेक्स फ्यूचर में 2625 बाई की है तो घटकर 89-57 नेट पोजिशन है और FII ने भी आज 11,735 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं तो जो शॉर्ट थे वहाँ पर घट के अब 77,247, अभी भी क्वांटिटी बहुत बड़ी है लेकिन क्या ना अगले हफ्ते रोल ओवर की है उसलिए वो अपने भी शॉर्ट काट रहे हैं। और प्रो भी आज 12,668 वो लॉन्ग थे तो उसने आज सेल कर दिए तो लॉन्ग घट के अब 7,592 कॉन्ट्रैक्ट रहा। वैसे इंडेक्स कॉल में देखिए 18,640 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने कम किए तो 1,67,000 लॉन्ग थे वहाँ से घट के 1,48,000 अभी भी ज़्यादा है लॉन्ग। और FII ने 7,575 लॉन्ग कम कर दिए तो 60,930 कोली लॉन्ग है, माने कॉल में अभी इन लोगों की पोजीशन नहीं बनी हुई है इसलिए खतरे की घंटी है ऊपर जाने के लिए कि ऊपर जाने का चांस बहुत कम है। और प्रो ने भी देखिए 26,215 कॉन्ट्रैक्ट आज कवर किए, सोल्ड लेट लिखा है, गलती लिखा गया, बहुत नेट होगा तो 26,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाई किए हैं तो घटकर वो 236,000 से घट के 210,000 अभी भी शॉर्ट पोजीशन है,
माने कल एक लीड मिलना चाहिए या तो गैप अप खुलता है तो फिर कल ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा सेकंड हाफ में। और इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने आज 64,244 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो जो 3,91,000 थे परसों वो आज घट के 3,27,000 नेट पोजीशन रहते हैं। और एफआई ने 10,140 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, तो उनका 3,01,000 लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स पुट में, वो घटकर अब 2,90,000। ये भी अभी है, बड़ी क्वांटिटी अभी खड़ी हुई है। और प्रो 62,020 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज उन्होंने 54,105 कॉन्ट्रैक्ट काट दिए, लेस कर दिए, तो घट के वो 7,915 कॉन्ट्रैक्ट ही वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग है। तो समरी यही निकलती है, कल यदि गैप अप खुलती है बाजार तो ऊपर 1-1.5 घंटे के बाद अपने फिर वही आज की तरह पुट लेंगे, पुट में ट्राई करेंगे। और इन केस मार्केट गैप डाउन खुलती है तो अपने 1-1.5 घंटे बाद वेट करके कॉल लेके लेंगे कि कॉल पुल बैक आना चाहिए। कल मेरे हिसाब से पुल बैक आना चाहिए। तो अब अपने स्लाइड्स के थ्रू इंट्राडे के लेवल नोट कर लेवे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और डिस्क्लेमर जरूर से पढ़े। मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़े। और मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही मेरे लेवल पे ट्रेड करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसका जिम्मेवार मैं और मेरा चैनल नहीं है। ट्यूसडे 17 मई 2022 के निफ्टी स्पॉट एबव 15,870 के ऊपर बाई जोन में रहेगा और 15,870 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 15,730 का और रेजिस्टेंस 15,965 और 16,090 तक जा सकता है। यदि गैप अप खुल जावे तो अपने 16,090 के पास वेट करेंगे, वहां पर अपने पुट लेकर खेलेंगे। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। ट्यूसडे 17 मई 2022 के लिए निफ्टी 16,000 का कॉल वीकली वाला एबव 78.65 के ऊपर मिले तो लेकर खेलना चाहिए। सपोर्ट 45.65, 30.65, 3.25 तक का सौदा रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 99, 128, 145 तक जा सकता है। वीकली पोजीशन का पोजिशनल कम इंट्राडे है। 17 मई 2022 के लिए निफ्टी 16,000 का कॉल जून एक्सपायरी वाला एबव 401 के ऊपर चले तभी लेना है। सपोर्ट 340 क्लोजिंग बेस, मैंने 60 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेस। टारगेट इसका रहेगा RST 450 और 495, मैंने 95 रुपये का प्रॉफिट। इंट्राडे का है, पोजिशनल चाहे तो ले सकते हो आप 250 का स्टॉप लॉस दे के। ट्यूसडे 17 मई 2022 के लिए निफ्टी 16,100 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुए 140 के पास लेना है। सपोर्ट 120, 102, रेजिस्टेंस 50 से 70 पॉइंट के लिए अपने ट्राई करेंगे। वो भी निफ्टी 16,050, 60, 70 के पास जाए तभी अपने को लेना है 16,100 का पुट। हो सके 140 में मिले या 120 में मिले, 102 का स्टॉप लॉस लगा के और रेजिस्टेंस 50 से 70 पॉइंट के लिए अपने ट्राई करेंगे। ट्यूसडे 17 मई 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 33,470 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, 33,470 के नीचे सेल जोन में रहेगा। नीचे में सपोर्ट 33,125 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 33,945 और 34,300 तक जा सकता है। ट्यूसडे 17 मई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 33,000 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुए 460 के पास लेना है। सपोर्ट 410, 370, 330 क्लोजिंग बेस। RST ओपन, ओपन यानी के आज की तरह ही 100 से 150, 200 पॉइंट के लिए, मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट पकड़ के चलिए। बस नीचे मिले तभी लेना है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं।
फिर चालू बाजार में मैं दे दूंगा बुट के लेवल। इफ यू लाइक आवर स्टॉक्स लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस प्लीज प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यदि आपको मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स और ऑप्शन लेवल और डाटा एनालिसिस अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और पास वाली बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। यदि आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स और ऑप्शन लेवल पर ट्रेड लेने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेकर ही मेरे स्टॉक्स लेवल पे काम करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है इसका जिम्मेवार मैं या मेरा चैनल नहीं है। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस ओनली। एनी क्वेरी व्हाट्सएप नंबर 9830555353। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्त।